छत्तीसगढ़ के रायपुर के धमतरी में डॉक्टर रमेश खंडेलवाल की एक्सरे एवं सोनोग्राफी क्लिनिक के खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर प्रदेश भर में डॉक्टरों में रोष है। आरोप है कि आईएमए का आरोप है कि डॉक्टर खंडेलवाल से 1,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है और उन्हें पैसे की जो रसीद दी गई है वो जुर्माने की जगह दान की है। कार्यवाही के बाद जब डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद करने लगे तो अधिकारियों ने जुर्माना वसूलने के बाद और 5 लोगों का अल्ट्रासाउंड करवाया कि वे लोग अपने अपने जिला स्थानों से पास बनवा कर आए थे और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वापस आकर दिखाने की बाध्यता लिखी गई थी। उन्हें नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत एस्मा लगाने और क्लिनिक सील करने की भी धमकी दी गई और यह भी कहा गया कि सड़क में खड़े हुए मरीजों की जिम्मेवारी भी आपकी ही है, जबकि क्लिनिक के अंदर बैठे हुए सभी मरीजों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया जा रहा था। इसी की निगरानी कैमरे में खुद अपने चैम्बर में बैठे डॉक्टर रमेश खंडेलवाल कर रहे थे। हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि 10 दिन पहले सभी क्लिनिक और अस्पताल खोले जाने का निर्देश दिया गया था और जिन डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक नहीं खोली उन्हें कार्यवाही की चेतावनी दी गई। 13 तारीख को आईएमए के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात कर उन्हें कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन के पालन में व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य की तरह अस्पताल और ओपीडी चलाने को कहा है। बड़े डॉक्टरों के यहाँ सामान्यतः 100 से अधिक मरीज प्रतिदिन देखे जाते हैं। इनमें से ज्यादातर मरीज दोपहर से पहले पहुंचते हैं और हर मरीज के साथ अटेंडेंट भी आते हैं। क्लिनिक में इतनी जगह नहीं होती कि मरीजों को दूर दूर बिठाया जाए, जिससे वो अस्पताल के बाहर भीड़ बढ़ाकर खड़े रहते हैं। सामान्य की तरह अस्पताल और क्लिनिक चलाने के लिए अभी समय है। स्वास्थ्य मंत्री और राज्य शासन के अधिकारियों ने हमने कहा है कि सामान्य की तरह अस्पताल चलाने में कोरोना वायरस एक भी अस्पताल में आने से अस्पताल सुपर स्प्रेडर का काम करने लगेंगे। ऐसे में अस्पताल चलाना और मरीजों की संख्या अस्पताल के डॉक्टर के विवेक पर छोड़ दी जाए। जुर्माना करने से संशय और प्रतिरोध बढ़ेगा। वहीं आईएमए के डॉक्टर महेश सिन्हा ने कहा कि हम पहले ही स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रख चुके हैं। सुरक्षा उपकरण नहीं है, मरीजों की सुरक्षा का भी सवाल है। छोटी छोटी क्लिनिक है, हम इलाज कर रहे हैं, मरीजों को फोन कर बुला रहे हैं। क्लिनिक के बाहर भीड़ अगर इकट्ठी हो रही है तो हम उसे कैसे रोकेंगे? डॉक्टर खंडेलवाल क्लिनिक के ऊपर जो कार्यवाही हो रही है हम उसका विरोध दर्ज करवाएंगे। 1,00,000 का दान नहीं दिया जाता, उनका पैसा वापस करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में काम कैसे करेंगे? अगर निकारण नहीं होगा तो हम आगे देखेंगे। आपको बता दें कि धमतरी में डॉक्टर रमेश खंडेलवाल की एक्सरे एवं सोनोग्राफी क्लिनिक के बाहर भीड़ जमा होने पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए 1,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला है और उन्हें दान की रसीद थमा दी। उधर इस मामले में प्रशासन का पक्ष जानने के लिए कलेक्टर रजत बंसल को फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.